तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। यार स्वागत है आपका एक बार फिर से लास्ट आइसलैंड ऑफ सर्वाइवल की एक और नई वीडियो के अंदर। अभी हम दोनों निकले थे लूट करने के लिए, लेकिन अभी क्या करेंगे यार कि हमारे पास सिर्फ ऑयल ड्रम है जो कि ऐसी स्टील या फिर आयरन की दीवारों को तोड़ नहीं सकता भाई। तो यहाँ पर हमारा काम बनने नहीं वाला, तो हम लोग यहाँ से आगे चले गए। तो अभी हमारे पास हैंडमेड की रेसिपी नहीं है यार, तो इसीलिए थोड़ा सी मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर देखो काफ़ी बड़ा बेस है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अंदर से आयरन का हो सकता है क्योंकि इतना बड़ा बेस है ना। तो सामने भी फाइट हो रही है यार वहाँ पर, लेकिन जा नहीं सकते हम लोग क्योंकि हम लोग भाई सीधी सपाट रेड करने के लिए निकले हैं। तो अभी वही करेंगे, सामने फाइट हो रही है, लगता है यहाँ पर रेड के लिए हो रही है। और यहाँ पर वैसे भी फाइट रहने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 20% लूट जो गिरती है। तो उसके लिए हम लोग अपनी सारी एमओ वैमो या फिर बॉम्ब वगैरह क्यों ख़राब करें। तो उसके बाद आगे निकले और यहाँ पर मिला हमें एक और बड़ा बेस। तो ये भी थोड़ा सा स्टोन का ही था, तो हमने सोचा कि इसको रेड करते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले बॉम्ब लगाना स्टार्ट किया। तो ये सब तोड़ने के बाद हम लोग अंदर भी देखेंगे यार क्या हो सकता है अंदर भी। अगर अंदर से ये भी आयरन का निकला तो इसे भी छोड़ना पड़ेगा हमें, और हमारे बॉम्ब भी वेस्ट हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश तो करनी पड़ेगी यार, अगर रेड करने हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी खाली हाथ तो जाने नहीं वाले। यहाँ पर थोड़े कुछ और बॉम्ब लगेंगे, ठीक है। ये सभी क्या कहते हैं, अभी पत्थर की ही होगी शायद, या फिर लकड़ी की हो सकती है जो इतने बॉम्ब खा रही है। ओके, यहाँ पर थोड़े से और बॉम्ब लगाए मैंने, फिर हम लोग घुस गए अंदर। यार यहाँ पर देखो तो अंदर से भी ये स्टोन का ही है, लेकिन यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। बाहर शॉटगन ट्रैप है, लेकिन इसके अंदर एमो नहीं थी। तो ठीक है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है यार, यहाँ से देखते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे एक सीढ़ी दिख रही है, लेकिन अंदर जाने के लिए पहले हमें यहाँ से सभी दरवाजे तोड़ने होंगे। ऊपर चल रहे हैं फर्नेस वगैरह, लेकिन ऊपर जाने के लिए हमें रास्ता बनाना पड़ेगा पहले। यहाँ से दिख रहा है ये कुछ खाली कमरे वमरे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से हम लोगों को तोड़ना शुरू करना चाहिए। फिलहाल कुछ कर नहीं सकते, यहाँ से ऊपर जाना होगा। ऊपर के मैं तोड़ सकता हूँ, लेकिन फिर ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा ना। तो अरे नहीं यार, ये कहाँ बॉम्ब लगा दिए भाई ने, वहाँ पर बॉम्ब नहीं लगाने थे भाई। हम लोगों को सीढ़ी वीढ़ी तोड़नी है, मेरा मतलब तो सीढ़ी के पास पहुँचना, क्योंकि सारा सामान ऊपर पड़ा हुआ है। तो इस तरफ से तोड़ने की कोशिश मैं करता हूँ। चलो तोड़ने देते हैं फालतू के बॉम्ब, भाई उड़ा देते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ से भाई मैं बोल रहा था कि तुम यहाँ पर मत बॉम्ब लगाओ, यहाँ पर लगाओ, थोड़ा देख कर फिर बॉम्ब लगाना चाहिए, ऐसे तो हम बहुत बॉम्ब ख़राब कर सकते हैं। ओके, तो मैंने वहाँ लगाए, भाई ने वहाँ पर लगाए। तो यार इस बीच एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया हमारे साथ। तो मैंने यहाँ पर बॉम्ब तो लगा दिया, लेकिन भाई ने ध्यान नहीं दिया यार, और वो यहीं पर इस बॉम्ब के साथ ही फट गए। तो यार यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो गया भाई, नॉक वॉक नहीं हुआ, सीधा डायरेक्ट ख़त्म हो गए। तो मैंने उनका सामान जो भी था उठाया, और we'll be right back।
यहाँ पर भी यार एक ही बॉम्ब मेरे पास बचा हुआ था, लेकिन अभी क्या कर। कुछ बंदे फाइट ले रहे थे और यहाँ पर भाई हमारे बॉम्ब लगाकर इस बेस को तोड़ने में लगे हुए थे। यहाँ पर भी लॉक लगे हुए हैं सारे के सारे चारों तरफ, और यहाँ पर लगता है अभी अभी की बेस बनाया है बंदे ने और काफ़ी अच्छे तरीके से फार्म वगैरह कर ही नहीं है यार। वो वहाँ पर फाइट लेने चला गया, पीछे ही हमने उसके बेस को तोड़ दिया और पता नहीं अब वो क्या कर रहा है, उसको पता चला या नहीं चला। तो यार फिर मैं कैबिनेट को तोड़ने लगा और भाई ने बोला कि बॉम्ब है, मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या कह रहा है। मैं उसको बोल रहा था आओ कैबिनेट को तोड़ते हैं, तो वो भाई तो बोल रहा था कि पीछे हटो यार मेरे पास बॉम्ब है, मैं इसको बॉम्ब से उड़ाऊंगा। तो लेकिन भाई मुझे समझ में नहीं आया और भाई के देखो दिमाग देखो क्या। फिर उसने बोला कि यार चलो इसके साथ तू भी फटोगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको रिवाइव दे दूंगा। तो भाई उसने फोड़ा और रिवाइव दे दी। तो फिर हम लोग यहाँ से लूट कर निकलने वाले थे भाई, जो कुछ मिला हम लोग यहाँ से लेकर निकलने वाले थे। ठीक ठाक आइटम मिल गई, कुछ ज़्यादा भी नहीं मिला जो है, लेकिन ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ से जाने लगे यार, यहाँ पर देखा कि एक बंदा जो शायद इसी का वो बेस था ये यहाँ पर आ चुका था अपने बेस को डिफेंड करने के लिए। लेकिन भाई मैंने इससे फाइट की तो भाई वहाँ पर लूट कर रहा है, तो मैंने सोचा तब तक इसको निपटाता हूँ। ये अकेला ही है भाई, सोलो खेल रहा है तो सोलो को तो या डुओ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम। तो मैंने इसको नॉक किया और फिर इसको
तो यहाँ पर मैंने काफी समय पहले ढूंढा भाई। इसको पहले निपटाया मैंने, फिर मैंने वायर वगैरह लगाऊंगा यहाँ पर, देखते हैं। रूम अभी भी है यार, यहाँ पर लूट है, तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई और लूटने आया भी था। मैंने
प्रॉपर रूम था नहीं तो यार यहाँ पर पहुँचे हम लोग और यहाँ भी सारे के सारे रूम को चेकआउट करने लगे, फिर भी यहाँ पर हमें टैंक नहीं मिला क्योंकि टैंक तो कोई बंदा मार के चला गया। जैसे टैंक को मारना एक बंदे के लिए आसान है यार, पूरी स्क्वाड को भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि दो तीन वेपन हमारे आसानी से यूज़ हो जाते हैं भाई। तो यहाँ पर भी दो ग्रीन रूम थे यार, ग्रीन रूम बहुत ज़्यादा दे रखे हैं अभी के लिए हम लोगों को, जहाँ जाओ ग्रीन रूम ज़्यादा मिलेंगे, एक दूसरा जो है ब्लू या फिर पर्पल रूम मिल जाएगा। तो अभी वहाँ पर तो हमारे पास में पर्पल रूम था नहीं तो हम लोग यहाँ पर आए, ठीक है यहाँ पर भी कुछ मिल गया, ठीक है ये लुटा हुआ नहीं है। लेकिन जहाँ पर पर्पल रूम है ना भाई, उसके पास में बंदे का बेस है, वो बंदे ने पर्पल रूम भी लूटा हुआ था। हम लोगों ने पर्पल रूम को चेकआउट किया था लेकिन पर्पल रूम था लूटा हुआ, क्योंकि वो बंदा यार सिर्फ पर्पल रूम को ही लूटता है यहाँ पर आकर, इनके ऊपर कम ध्यान देता है। तो यहाँ पर एक और रूम था, ये भी अभी लूटा हुआ नहीं था तो इसको भी हमने लूटा, वायर वगैरह डालते हैं। और यार इतनी दूर आने का हम लोगों को वैसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि पर्पल रूम के लिए आए थे, पर्पल रूम तो पहले ही लूटा हुआ मिला हम लोगों को। तो यहाँ पर कार्ड भी नहीं मिला, अगर ब्लू कार्ड मिल जाता तो भी कोई बुरी बात नहीं होती वैसे। तो यहाँ पर जो भी लूट वगैरह है बस घड़ी ऐसी लूट है यार, कुछ खास अच्छा नहीं मिला हम लोगों को, ठीक है वही बस बिचकारू सा। तो उसके बाद हम लोग वापस पहुँचे यार, वापस से नहीं तो हम लोग वापस जा रहे थे, मैंने सोचा कि यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फिर से चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ ये शायद न्यूक्लियर प्लांट है, हाँ ये न्यूक्लियर प्लांट है भाई। तो यहाँ पर ग्रीन रूम है अभी दोनों के दोनों, पहले यहाँ पर ब्लू रूम था तो यहाँ पर ग्रीन रूम करते हैं। ग्रीन रूम अभी लूटा हुआ नहीं है भाई, तो ठीक है ये रहा। अरे यार भाई हमें बहुत जल्दी होती है हमारे भाई को लूटने के लिए। तो ओके मुझे यहाँ पर कार्ड मिल गया ब्लू कार्ड, ये भी सही है भाई। मुझे लूट देखनी होती है भाई मेरे, अगर वीडियो देख रहे हो ना तो इतनी जल्दी नहीं है हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है आराम से लूट लेंगे, लेकिन एक बार लूट दिखानी ज़रूरी है कि हम लोगों को इतनी दूर आने का फ़ायदा क्या हुआ या फिर यूँ ही भगे फिर रहे हैं हम लोग। तो वैसे भी यार कुछ खास नहीं मिला अभी, मुझे पता नहीं वेपन कौन सा मिला था जो कि भाई ने उठा लिया शायद। तो यार यहाँ पर था ग्रीन रूम, इसके अंदर भी कुछ नहीं था, मेरा मतलब कुछ तो है तो, लेकिन मैंने सोचा पहले कि पर्पल रूम करता हूँ तो इस बार इस मॉन्स्टर को पहले मार दूंगा, अगर दोबारा ग्लिच हुआ तो यार मैं खुद को रिवाइव तो कर लूँ। तो सामने मुझे एक साइकिल खड़ी हुई दिखी है, शायद यहाँ पर कोई बंदा आया हो सकता है। तो मैंने सोचा यार पहले हम लोग चेकआउट करते हैं अपने पर्पल रूम को, कहीं वो लूटा हुआ तो नहीं है, ये आखिर साइकिल यहाँ पर आई कैसे। तो यार यहाँ पर मैंने देखा कि ओ एक पीछे पड़ गया मेरे, तो जल्दी से वायर लगाई तो यहाँ पर लूटा हुआ नहीं था। तो अब देखते हैं हम लोगों को क्या मिलने वाला है यहाँ पर। ओके भाई लोग, तो वेपन मिला है AKM और स्टील का आर्मर, एक ग्रेनेड लॉन्चर और यही AR की बैरल भी मिल गई मुझे भाई साहब, ये बनाना कुछ काम का जुगाड़। तो अभी यार बहुत अच्छी लूट मिली है मुझे पर्पल रूम के अंदर, तो यहाँ से निकालता हूँ वायर। तो दूसरी जो अभी रूम है वो भी लूटूंगा वैसे तो। यार AKM और ग्रेनेड लॉन्चर मिला मुझे, शायद वो ग्रेनेड लॉन्चर ही होगा, तो इस बाइक को भी उठा लेता हूँ भाई। अब भाई रिपेयर नहीं करनी है इसको, उठाना है उठा लो, इसकी हालत वाला तो भी ठीक है जो भी है। तो फ्री की एक और साइकिल मिल गई मुझे। तो उसके बाद फिर से पहुँचा मैं यहाँ पर ग्रीन रूम के पास, लेकिन यार दो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। एक अंदर भी घूम रहा है भाई, एक अंदर घूम रहा है, पता नहीं ये ग्रीन रूम है या फिर ब्लू रूम है, शायद ब्लू रूम है यार ये। तो हाँ अभी यहाँ पर देखो तीनों के तीनों रूम ऑन हुए, पहले इसको निपटाते हैं। ओके इसको भी हटाओ पहले, यार ये अंदर कैसे घुस गया भाई। यहाँ पर किसी की चेस्ट पड़ी हुई लगता है, अंदर को टपका था बंदा, कुछ नहीं मिल रहा भाई अभी तो, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी खास नहीं मिला हमें इस रूम के अंदर, शायद पहले को लूट के निकल गया होगा। मैं वैसे मुझसे एक गलती भी हो गई यार, मैंने उस जिसकी वो बंदे की मौत हुई है ना, मैंने उसकी चेस्ट नहीं देखी, शायद वो जो वेपन वगैरह रहे होंगे उस चेस्ट के अंदर होंगे, उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया भाई, वो मेरी गलती थी। चलो कुछ नहीं कर सकता अभी, वैसे भी रेडिएशन ज़्यादा चढ़ रहा था, मैंने सोचा कि जल्दी से निकलो बाहर, और मेरी हेल्थ भी आधी थी, मैंने उसका भी ध्यान नहीं दिया भाई, मुझे झापड़ पड़े थे ज़ॉम्बी के द्वारा, तो पहले मुझे हील करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी लूट मिल गई है यार। यहाँ पर देखो मुझे मिला स्टील का आर्मर, हमारी AK-47 ही है ये AKM, और हैंड में चार्ज मिल गया मुझे। ये सब लेने के बाद सोचा कि ये आखिरी रूम बचा इसको भी कर लेते हैं यार, अब आए हैं इतनी दूर तो तीनों रूम करके ही जाएंगे हम लोग। तो वायर वगैरह लगाई मैंने यहाँ पर और इसको खोला, और अच्छी बात तो ये थी कि ये भी लूटा हुआ नहीं था। यहाँ पर 2x मिल गया और डबल बैरल शॉटगन भी मिल गई मुझे, ये भी काफ़ी सही हो गया भाई। तो ठीक है आज की लूट तो काफ़ी अच्छी रही है यार,
वैसे ब्लू रूम ब्लू कार्ड भी मिल गया, ये भी सही है। तो काफ़ी सही चल रहा है हमारा अभी तक का गेम प्ले, जो भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छी लूट भी मिल रही है। बस रूम का हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, अगर ज़्यादा दूर रूम रहेगा तो। ओ भाई मैंने यहाँ से ध्यान नहीं दिया कि एक बंदा मेरे आसपास आ गया, तो एक घोड़े की आवाज़ आई, तो मैंने सोचा कि यार लूट वूट को छोड़ो पहले निकलते हैं यहाँ से। तो ये इतनी लूट है मेरे पास तो मैं फ़ाइट नहीं लेना चाहूँगा अभी, अगर गिर गई तो यार बहुत मुश्किल होगी, कहीं मेन चीज़ ना मेरी गिर जाए। जैसे कि मेरे पास अभी न्यू वेपन्स आए हैं तो इनको लेकर मैं यहाँ से निकलना चाहूँगा भाई, पहले मैंने यहाँ से भागना ही सही समझा, उसके बाद देखेंगे अगर कोई फ़ाइट वगैरह लेनी होगी तो। तो अभी यहाँ से सीधा अपने बेस की तरफ आ गया मैं भाई, तो यहाँ पर देखो ये सारा का सारा सामान मुझे मिला है। अगर मैं फाइट करता तो इनमें से पक्का कुछ ना कुछ गिर जाता भाई, तो जो कि मैं नहीं चाहता। तो सारा का सारा सामान रखते हैं अपने बेस के अंदर, और आज की वीडियो के अंदर भी सिर्फ इतना ही यार। अगर वीडियो अच्छी लगी, मज़ा आया वीडियो देखने में, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार गेम प्लेज इस चैनल पर आते रहते हैं। और अगर यार न्यू सर्वर के अंदर आप लोग भी हमारे साथ खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे मैसेज करिए और वहाँ पर आपको डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा।